नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं ये उम्मीद करके चलता हूं कि जिन डेटा पॉइंट्स को मैंने ऑब्जर्व किया था उनको देखकर आप लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के साथ डिस्कशन करने के बाद में आज मार्केट के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढा होगा। और दोस्तों, हमने भी हमारे क्लाइंट्स को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में अपडेट दिया होगा, तो ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अब आपके साथ का डिस्कशन को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। देखिए, अर्ली इन द मॉर्निंग हमारा आपके साथ जो डिस्कशन था वो ये था कि डाउ जोन्स का जो प्राइस है वो हाई पर चल रहा है और 35155 के बिलो मेरा व्यू बेरिश है, और डाउ जोन्स ने अभी तक अभी भी 35155 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मतलब ये वाला हमारा मॉर्निंग का व्यू बिल्कुल ठीक साबित हुआ। देखिए, यूएसडी एनआर के लिए मेरा मानना ये था कि जो यूएसडी एनआर के अंदर हालांकि हमें एक करेक्शन देखने को मिल रही है, लेकिन रिकवरी लो से आती है, जिसकी वजह से मेरे को इसका ट्रेंड अभी भी बुलिश लगता है। और डाउ जोन्स में आपने देखा, मतलब यूएसडी एनआर को आपने देखा भी कि निचले लेवल पर खुलने के बाद भी यूएसडी एनआर के अंदर एक काफ़ी बड़ा हम लोगों ने बुलिश मूवमेंट आज नोटिस किया, तो दूसरी चीज़ भी हमारी करेक्ट हो जाती है। अब थर्ड पर आते हैं। देखिए, क्रूड के बारे में मेरा मानना था कि करेक्ट हुआ है ये 7020 के लेवल से, तो ये सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है हाई के पास में, और मेरा व्यू इसके लिए बुलिश है, लेकिन तब जब ये 6900 को क्रॉस करेगा। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो 6904 के नीचे ही इस समय पर ये ट्रेड कर रहा है, और इसने एक ही बार 6904 के हाई को मारा, उसके बाद लगातार नीचे ही गिरा है, तो ये व्यू भी हमारा बिल्कुल ठीक रहा। अब थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि निफ्टी के बारे में हमने आज क्या सुबह डिस्कशन किया था। तो देखिए, निफ्टी के मामले में मेरा मानना ये था कि यार निफ्टी हमारे को 19500 से 19650 की एक रेंज के बीच में कंसोलिडेट होता दिखाई दे रहा है। अगर ये कंसोलिडेशन लगातार जारी रहती है तो मुझे आने वाले दिनों के अंदर, मतलब इसके अंदर ऊपर के लेवल मेरे को देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 19500 के नीचे मेरा जो व्यू है वो बेरिश है। तो देखिए, मैंने इसके अंदर लिखा था आई एम बेरिश बिलो 19500, बट इफ कंसोलिडेशन कम्स इन दिस रेंज ऑफ 19500 से 19650 एंड FII का डेटा अगर लॉन्ग का आएगा तो मेरा व्यू आपके से बुलिश हो जाएगा 19853 का। तो देखिए, इसी चीज़ को आज हम लोगों ने एक बार लगातार नोटिस भी किया कि मार्केट के अंदर ऊपर के लेवल पर एक सेलिंग आई और मार्केट 19500 के नीचे ही इस समय पर क्लोज होता है, तो ये व्यू भी हमारा बिल्कुल करेक्ट जाता है। देखिए, बैंक निफ्टी के बारे में हमारा व्यू बेरिश था, और बैंक निफ्टी के बारे में 45300 से मेरा व्यू बेरिश था, जबकि मुझे ये था कि आज मार्केट में वोलेटिलिटी आ सकती है, और वोलेटिलिटी मार्केट ने क्या दिखाई है ये तो आज आप लोगों ने देखा ही होगा। पूरा दिन थका के रखने के बाद में मार्केट में लास्ट के अंदर वोलेटिलिटी एकदम से। देखिए, फाइनेंस निफ्टी के लिए मेरा व्यू बुलिश था और 19950 के ऊपर, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, लेकिन 19950 के नीचे ये खुला और 19950 आए नहीं मार्केट में, तो ये हमारा एक्टिव ही नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये एक्टिव ही नहीं हो पाया, बाकी चीज़ें हमारे पास इस समय एक्टिव थी और ये हमने मार्केट के अंदर नोटिस किया। अब इसी के अंदर अगर मैं आपके साथ में डेटा के बारे में बात करके चलता हूँ, FIIs और DIIs के डेटा तो किस तरीके निकला है, तो आपको देख कर थोड़ी सी भी हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि FIIs ने 9508 करोड़ की बाइंग 12581 करोड़ की सेलिंग के अगेंस्ट की है, जिससे कि इनका डेटा -3073 करोड़ का निकल कर आता है, मतलब 3073 करोड़ की नेट बिकवाली आज के मार्केट में FIIs कर कर गए हैं। और DIIs ने मार्केट को बहुत सपोर्ट करने की कोशिश करी है, लेकिन कुल 500 करोड़ की बाइंग नेट करके गए हैं 2828, मतलब 8828 करोड़ की नेट की टोटल बाइंग, और 8327 करोड़ की टोटल सेलिंग का जो नेट फिगर निकल कर आती है वो 500 करोड़ की निकल कर आती है। अब देखिए, आने वाले दिन के अंदर कैसा रह सकता है मार्केट का व्यू, तो इस बारे में लोग आगे डिसीजन करेंगे, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, सिक्योरिटीज कोटेड आर हियर आर फॉर इलस्ट्रेशन ओनली एंड आर नॉट रिकमेंडेटरी। मैंने आपके साथ जिस ट्रेंड के बारे में बात की है, मैंने जो अपना व्यू आप लोगों के साथ में साझा किया है, वो आपके लिए केवल एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ के लिए, एक ही जगह पर मेरी आपको कोई बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप जो भी डिसीजन लें अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह मशवरा करने के बाद ही डिसीजन लेकर चलें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती हो और अगर आपको मेरा काम पसंद आता हो तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, और इसके साथ अपना कमेंट भी ज़रूर छोड़ कर जाएँ। इनकेस अगर आप मेरे को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी वेबसाइट gaurav.in पर, या मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 7982086711 पर, यहाँ आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।